डायमंड का या स्पेड का, मतलब एक ही ग्रुप के होना। जिस तो जो चारों कार्ड वो एक ही ग्रुप के, उसकी क्या प्रॉब्लम, मतलब उसकी कितने वे से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो? LC4 सोच लो पहले ध्यान से। जैसे क्लब सिलेक्ट करो, क्लब में कितने कार्ड्स होते हैं? 12 13। 13 13 में से कोई आप चार सिलेक्ट करो तो आप कैसे लिखोगे? आपने क्लब C4 सिलेक्ट प्लस किया 13C4, या डायमंड सिलेक्ट करोगे तो 13C4, या हार्ट 34 13C4, 13 C4 और ये इन सब सबको प्लस कर देंगे। तो ये टोटल ऑप्शंस आप कर देंगे, मतलब एक ही ग्रुप क्या देंगे। समझ आया आपको? हाँ, अच्छा, सेकंड कंडीशन है कि कितने वे से आप सिलेक्ट करोगे कि दो जो चारों कार्ड है वो डिफरेंट ग्रुप के हैं, यानी एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का। फोर के फोर कार्ड डिफरेंट ग्रुप के होने चाहिए। 13C1 + 13C1 + 13C1 + 13C1 नो, 13C1 ×, क्योंकि आपने अभी पूरे चार कार्ड एक साथ निकाले नहीं है। प्लस कब होता है? जब अच्छा निकाल चुके हो फिर दूसरा ऑप्शन तैयार होगा। हाँ हाँ तो 13C1 × 13C1 × 13C1 × 13C, यानी अभी कंटिन्यू आपका जब तक खत्म नहीं हो तब तक ये माना नहीं जाएगा। सेकेंड हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों कार्ड आपके फेस कार्ड है, ऑल द फोर कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड्स। सर सेम के ही डिफरेंट के नहीं, सभी फेस कार्ड हैं, चारों के चारों, चाहे किंग हो, चाहे जैक हो, चाहे क्वीन हो। C3 × 13C3 × 13C3 बेटा चार कार्ड इनटू सिलेक्ट थर्टीन करने, चार कार्ड तो आपको फेस कार्ड कितने होते? 12, 12C4। हाँ आपको ऐसा नहीं बोला कि चारों किंग आएंगे, चारों क्वीन को डिफरेंट भी आएंगे, लेकिन फेस कार्ड होंगे तो आपके टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। उसमें कोई चार ट्वेल्थ कार्ड सिलेक्ट करने तो 12C4। समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? आपके पास 12 कार्ड हाँ हैं और कोई कंडीशन नहीं दी है, आपको फेस कार्ड चाहिए तो 12 फेस कार्ड है जिसमें से चार आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं। अच्छा लेकिन भैया, ठीक है, आपके दो कार्ड रेड कलर के होंगे, दो कार्ड ब्लैक कलर के होंगे, उसकी कितने बेसिस सिलेक्ट करोगे? चार कार्ड सिलेक्ट करो, दो ब्लैक दो रेड। 26C2 × 26C2 वेरी गुड, मतलब आप क्या कंटिन्यू कर रहे हो तो 26C2 × 26C2, बिल्कुल सही। कार्ड्स और ऑफ द सेम कलर, कार्ड एक ही कलर के होने चाहिए। 26C4 + 26C4 वेरी गुड। क्यों प्लस क्यों किया? क्योंकि एक चार कार्ड आप सिलेक्ट कर ट्रांजिशन चुके हो, बीच में आप, अलग अलग हो गई, हाँ, एक दो अलग रेड सेम ऑप्शन हो है। सकता है और ब्लैक भी सेम हो सकता है। वेरी गुड, तो 12C4 + 12C4। हरिप्रिया, आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एक बॉय के पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं और 8 बुक्स जो लाइब्रेरी में उसके इंटरेस्ट की हैं। सिर्फ 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं और 8 बुक उसके चॉइस की बुक है। कंडीशन क्या है? अगर वो मैथमेटिक्स पार्ट टू लेता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो पार्ट टू, तब तक बोरो नहीं करेगा जब तक वो पार्ट वन नहीं बोरो करेगा। यानी पार्ट वन करेगा तो पार्ट टू लेना ही पड़ेगा, और पार्ट टू मतलब तब तक नहीं लेगा जब तक पार्ट वन नहीं लेगा। ठीक है, तो कितने तरीके से वो 3 बुक को सिलेक्ट कर सकते? C3 + 6C3 फाइनल देखो, अब तुम्हारा हाँ सोच, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन ही है, टेक्स्ट बुक का है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लो उसने मैथमेटिक्स पार्ट टू लिया, पार्ट टू लिया तो इसका मतलब है कि उसने पार्ट टू लेने का मतलब ये हो गया, पार्ट वन उसने कंपलसरी लिया, तो 2 बुक तो उसकी सिलेक्ट हो गई। अब उसके पास 2 लाइब्रेरी टिकट तो उसने यूज कर लिए,
उनका कोई चॉइस नहीं रहेगा। हाँ। एक टिकट है उसमें से कोई भी छह बुक में से ले सकता है, तो उसके लिए पहला ऑप्शन हुआ 6C1, क्योंकि दो बुक तो वो सिलेक्ट कर ही चुका, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 लिया इसका मतलब मैथमेटिक्स 1 तो लेना ही लेना है, तो इसका मतलब उसके पास चॉइस रहेगी, एक ही टिकट रहेगा जिसमें छह बुक उसकी चॉइस की है। दूसरा है मान लो उसने मैथमेटिक्स 2 नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैथमेटिक्स 1 नहीं ले सकता, मैथमेटिक्स 2 लेगा तो वो लेगा, तो यानी उसके पास अभी 7 ऑप्शन है उसके चॉइस के, और उसमें 3 टिकट वो यूज कर सकता है, 7C3, क्योंकि तीनों टिकट है, उसने कोई बुक ली नहीं है अभी, उसने कोई बुक नहीं ली, आपके पास 7, 3 के 3 टिकट है, उसने पहले क्या मैथमेटिक पार्ट 2 लिया तो पार्ट 1 लिया, इसलिए वो पार्ट 2 लेने से पार्ट 1 लेना कंपलसरी हो गया, इसलिए 6 कंपलसरी हो गया, लेकिन इसमें उसका कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन पार्ट 2 ले ही नहीं रहा है, तो उसके पास 7 बुक्स हैं, उसमें से 3 टिकट में से कोई भी बुक वो ले सकता है, और इन दोनों के रिजल्ट को प्लस कर दोगे क्योंकि 2 ऑप्शन है उसके बाद, तो इससे 3 टिकट वो यूज कर, सर पार्ट 1 ले लो पार्ट 2 नहीं ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो पार्ट 1 लेगा तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि पार्ट 2 ले, लेकिन पार्ट 2 तभी लेगा पार्ट 1 उसको लेना, पार्ट 2 लिया इसका मतलब पार्ट 1 तो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें उसके पास पार्ट 1 की हो जो पार्ट 2 में आ रही हो, तो उसको पार्ट 2 लेने के कारण पार्ट 1 लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पार्ट 2 ले रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पार्ट 1 नहीं पार्ट 1 ले तो जरूरी नहीं कि पार्ट 2 ले कंपलसरी, तो मतलब उसमें पार्ट 2 के बारे में कंडीशन थी कि पार्ट 2 लेता है तो पार्ट 1 लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला कि पार्ट 1 लेगा तो पार्ट 2 लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए पार्ट 2 नहीं लिया, इसका मतलब उसके पास 7 बुक्स हैं जिसमें से 3 टिकट यूज कर सकता है, 7C3, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल उसके पास बुक्स आ गई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 41 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसमें 44 डायगनल्स हैं, आपको फाइंड करना है कौन सा ऐसा पॉलीगॉन है जिसके 44 डायगनल्स होते हैं, उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी वो आपको ढूंढनी है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगॉन जिसके 44 डायगनल्स हैं। कहीं वो 6 बजे का ना सोच रहा हूँ सब बच्चे मालूम है, कोई फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास 44 पॉइंट्स हुए, 44 पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आपके पास जैसे 2 पॉइंट को जॉइन करके एक साइड बन जाती है, ऐसे आपके पास सारे पॉइंट सिलेक्ट करके आपके पास साइड्स भी बनेंगे डायगोनल्स भी बनेंगे, सर 11 मैं देख लेता हूँ चेक कर लेते, 11 हो सकता है, आपके पास n पॉइंट्स है, आपको साइड जितने पॉइंट्स उतनी ही साइड्स होती हैं, जैसे देखो ये 2 पॉइंट है, 1 2 ऐसे 5 पॉइंट, तो 5 साइड तो कंपलसरी है, मान लो n पॉइंट्स है यानी n साइड्स है, जिसमें से 2 2 को आप n पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइड्स भी मिलेंगे और डायगनल्स भी मिलेंगे, अगर उसमें से तुम साइड्स को माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपको डायगनल्स मिलेंगे, यानी ये NC2 का मतलब साइड्स और डायगनल दोनों मिल रहे हैं। देखो जैसे आपने ये सपोज 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट को आप जॉइन करते हो तो आपको 4 साइड और 2 डायगनल्स मिल रहे हैं, यानी आप ये जैसे आपने सपोज C2 लिखा, इसके अंदर साइड्स और डायगनल दोनों आ गए, अगर इसमें से 4 आप माइनस कर दो सिर्फ डायगनल्स ही मिलेंगे आपको, यानी पूरे में से आप सिर्फ साइड्स को माइनस करोगे तो डायगनल्स आ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं 4NC2 में से n माइनस किया तो डायगनल्स आ गए, डायगनल आपको 44 दिया हुआ। अब आपको यहां से कैलकुलेट n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज 44 प्लस n, n फैक्टोरियल को ओपन किया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 is 44 plus n, n square minus n is 88 plus 2n, अब हमने इसको quadratic equation बनाया, n square plus sorry minus 3n plus minus 88 equal to 0,
या गया। अब आपके पास है कि कौन सी साइड 11, 8 जा 88, 11 माइनस 8 क्या 3 आया, तो आपके पास मिडल फैक्टर 11n प्लस 3n माइनस 88, n कॉमन n माइनस 11 प्लस 3 कॉमन n माइनस 11, ए सॉरी जस्ट 8, 8 कॉमन, तो एक फैक्टर n प्लस 8, एक आ रहा है n, n इज इक्वल n का वैल्यू माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, 11, तो आपके पास 11 साइड है। तो हरिप्रिया तुम्हारा राइट आंसर है कि आपके यहाँ 11 आंसर आएगा, क्लियर हुआ हरिप्रिया? हाँ सर। पर तुमने निकाला कैसे आप मेरे को ये बताओ। मैं तो सर गेस करा कि शायद 11 होगा। ओके, आपको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, कभी एग्जाम में आई ये तो है मेथड, लेकिन डायगोनल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है एन n माइनस 3 अपॉन 2, ये डायगनल का फॉर्मूला है जो कि आपको मैंने 44 दिया हुआ है। आपने लिखा n, n स्क्वायर माइनस 3n इज 88, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88, देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी, और उधर सब तो ये डायगनल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका लॉजिकल मेथड है जो आप लोग सीख रहे हो, जो कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन में सीख रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया ये अलग क्वेश्चन? हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक सरफेस है जिसमें 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से नो 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी 3 पॉइंट को लीनियर नहीं है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट, 4 पॉइंट छोड़ के नो 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट विच आर कोलिनियर, 4 पॉइंट कोलिनियर है बाकी सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर है। आपको फाइंड करना है आप कितने नंबर ऑफ लाइंस इसमें से बना सकते हो पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये जितने भी पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं अगर इसको ज्वाइन करोगे तो कितने लाइंस बना सकते हो, और दूसरा कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो। फिर से क्वेश्चन सुन लो, 10 पॉइंट है जिसमें 4 पॉइंट कोलिनियर एक ही लाइन पर आ रहे हैं और बाकी सारे पॉइंट नॉन अलग अलग जगह पर हैं, आप कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हो और कितने ट्रायंगल बना सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। ट्रायंगल तो शायद से 18 नहीं, ट्रायंगल पता 116 ट्रायंगल बन रहे हैं एक नहीं। चलो पहले आपको किसी को आता है आइडिया तो लगा सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं हेल्प करूं आपको। 2 मिनट सर। 2 मिनट बिल्कुल। बात क्यों ना तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे दुनिया क्या कह रही सर? ट्रायंगल बनाने के लिए हमें किसी भी 3 पॉइंट को जॉइन करना पड़ेगा। हाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर नहीं नॉन, हाँ नॉन कोलिनियर, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नो थोड़ा सोचो फिर मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ, फिर आपको नहीं आएगा फिर मैं क्या बोलूँ। सर हाँ बोलो हरिप्रिया। 40 लाइंस बनेगी? 40 लाइंस पॉसिबिलिटीज करीब है, एग्जैक्टली मैं आपको करके बता सकता हूँ। चलो मैं बताऊँ पॉइंट्स कैसे, सबसे पहले लाइंस कैसे बनेंगी।
आपको होता हर दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 चार पॉइंट एक ही लाइन पर है, बाकी ये सारे 6 पॉइंट अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चार पॉइंट कोलिनियर है, बाकी चार पॉइंट आपके कोलिनियर है और बाकी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जब आपको पता है हर दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, तो आपने पहले देखा 10 पॉइंट में से अगर दो दो को ज्वाइन करें तो लाइन तो बनेगी, लेकिन ये चार पॉइंट से कितनी लाइन बन रही है हमारे हिसाब से 1 2 3 ऐसे करके 4C2 करके हमने 4C2 करके बहुत सारी लाइन बना दी, लेकिन आपको पता है इससे तो एक ही लाइन बन रही है, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सिंगल लाइन बनेगी, इसका मतलब इसमें से इतने आप हटा दोगे क्योंकि इससे एक लाइन ही बन रही, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन इससे बन रही है और हमने इससे डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना दी 1 2 3 लेकिन एक ही लाइन बनेगी क्योंकि कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन बनना। तो पहले हमने 10C4 से जितने भी लाइन बनानी है हमने बना दी, उसमें से ये जो लाइन है वो पॉसिबल नहीं है, ये डिफरेंट ही एक ही लाइन, इसलिए हमने प्लस वन कर दिया, इतने हटा दिया और उसमें एक प्लस वन कर दिया। मेरा एक वापस बताओ ना, मैं नहीं अटक गया था। फिर से देखो आपके पास 10 पॉइंट है, 10 में से दो आप सिलेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगी, लेकिन आपको होता है ये जो चार पॉइंट है उससे सिंगल लाइन बनती है, लेकिन हमने चार से 4C2 कर बहुत सारी लाइन बना दी, इसलिए वो सारी लाइन हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि ये कोलिनियर है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया 4C2, लेकिन आपको फिर भी चार पॉइंट जो हटाए उससे सिंगल लाइन तो फिर भी बन रही है, इसलिए प्लस वन करके हमने एक लाइन बना दी। अब देखो यहाँ पर 10 factorial 2 factorial 1 factorial 4 factorial 2 factorial 3 plus 1 इसका किया हमने 45 है सर। हाँ 45 ये आ गया, 3 6 ये 6 आ गया प्लस 1 45 माइनस 39 तो 40 लाइंस बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट। क्या बता हरिप्रिया तुमने कहाँ से सीख लिया ये परफेक्ट आंसर बताया? नहीं सर मैंने यही करा जो आपने करा। वेल डन गुड, तो 40 लाइंस आएंगे ये पता चल गया। अब आता है ट्राइंगल, कोई भी समझ में नहीं पर आपने माइनस क्यों किया? मैं वही बता रहा हूँ, देखो 10C2 का मतलब है कि सारे 10 के 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, इसलिए हमने 10 में से दो दो को ज्वाइन करके सारा बनाया, लेकिन हमें पता है ये चार पॉइंट तो कोलिनियर, वो तो डिफरेंट लाइन बना ही नहीं रहे, इसलिए उसमें से वो हटा दिया हमने 4C2, लेकिन फिर भी एक लाइन तो इससे बन रही है, इसलिए प्लस वन कर दिया क्योंकि हमने पूरे हटाए, लेकिन फिर भी सिंगल लाइन तो इसमें से क्रिएट हो रही है, इसलिए प्लस वन करके एक लाइन बना दी। तो ये पूरे आपके टोटल इतनी लाइन आपकी पूरी क्रिएट होंगी 10 पॉइंट, अगर चार कोलिनियर है। फिर भी देखना, अगर आपके बोला कि 10 पॉइंट में से 5 कोलिनियर है तो कितनी लाइन बनेगी, तो आप पहले देखो 10C2 माइनस 5C2 प्लस 1 कर देना, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। अब ट्राइंगल के लिए आपको पता 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, तो आपने लिखा 10C3 लेकिन आपको माइनस 4C3 और 4C3 तो आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन 3 इससे तो ट्राइंगल तो बन रही है, प्लस 1 तो नहीं करेंगे, बस इसको इससे हटा देंगे, तो 10C3 माइनस 4C3 तो 10C3 का वैल्यू डाला 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 120 आ रहा, देख लेते हैं 9 into, नहीं आंसर नहीं 10C3 का, 10C3 का अच्छा देख लेते हैं। हाँ 3 2 6 3 3 2 4 4 3 12 120 माइनस, हाँ सही बोल रहे हो 3 फैक्टोरियल 4 तो 116 ट्राइंगल बनेंगे आपके। मैं वो कह रही थी मैं कह रही थी एक भी नहीं बनेगा, 116 ट्राइंगल्स बन रहे इसका। देखो ये देखो एक बन गया, ऐसे एक बन गया, मैंने एक नहीं मैंने 18 बोले थे। अच्छा मैं समझा एक भी नहीं बनेंगे, 116 ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें से। देखो अब ये दो पॉइंट से एक ऐसे बना दिया, ऐसे यहां से भी तो हम यूज कर सकते हैं पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट है ना, एक दो इससे एक ये ज्वाइन किया ये ज्वाइन किया, ऐसे आपके 120 है, सिर्फ चार ट्राइंगल नहीं बन रहे वो माइनस कर दिया तो 116 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 120 में से 14 हटा दिए। फिर से बताऊं कि समझ आ गया? आ गया।
पक्का ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो आपके पास एक क्रिकेट टीम बनानी है और 17 प्लेयर्स तैयार हैं, इन जिसमें 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलर्स हैं, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, उसमें से 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं, और हर टीम के 11 प्लेयर में, हमें जो 11 प्लेयर क्रिकेट टीम की बनानी है उसमें 4 बॉलर को कंपल्सरी रखने। फिर से सुनो, 17 प्लेयर हैं जिसमें से 5 सिर्फ बॉल कर सकते, स्पेशलिस्ट बॉलर है, और हमें 11 टीम में 4 बॉलर तो कंपलसरी लेने ही है, तो कितने तरीके से आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते हो? बताओ। रुको सर, सर 5C4 × 12C7 शायद तक, 5C4 × 12C7 एक मिनट, 5C4 × 12C7 इज द राइट आंसर, वेल डन, परफेक्ट आंसर। देखो पहली बात है कि आपको 11 5 बॉलर उसमें से 4 सिलेक्ट करने, तो 5C4 तो कंपलसरी हो गया। अब आपके पास 7 प्लेयर्स रह गए, 11 में से 4 तो सिलेक्ट बॉलर हो गए, 7 प्लेयर को सिलेक्ट करने बचे हुए कि 17 में से 5 हटे, 12 बचे, 12 में से आपको 7 प्लेयर सिलेक्ट करने, तो 12C7, तो 12C7 × 5C4। महक को नहीं सुन रहा? आ गया आ गया। पक्का तुम क्रिकेट खेलती हो कि नहीं खेलती हो? खेलती हूं ना। पर तुम्हें सिलेक्शन करना आएगा, इस तरह से सिलेक्ट कर पाओगी? हां हां कर दूंगी। देखो अब चलो तुम्हारे इसी के ऊपर है, आपको एक 52 कार्ड्स में 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब 5 कार्ड का एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक एस कंपलसरी होना चाहिए। एक एस, एस होता है ना, इक्का, एक कंपलसरी होना चाहिए, 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एक इक्का कंपलसरी होना चाहिए। सर हो गया, हो गया सर, 4C1 × 48C4 + 4C2 × 48C3 + 4C3। गलत समझ गए हो, आपने सही निकाला था, एक इक्का चाहिए, तो एक चाहिए 4C1 में से, बचे हुए 4 48C4 इंटू कर दो, 5 कार्ड बन गए, आप
क्यों इतने सारे ग्रुप हाँ। चार सर आपने बोला था एक कार्ड चाहिए एक इक्का चाहिए, बट चारों भी तो हो सकते हैं ना, मिनिमम एक चाहिए ना। मिनिमम नहीं बोला, एग्जैक्टली वन इक्का, एक ही इक्का चाहिए। अच्छा हाँ, तो फिर ऊपर वाला 4C1 × 48C4। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वेल डन। अगर एटलीस्ट को पूछा होता तो फिर दो सेक दो इक्के के साथ, तीन इक्के चार इक्के के साथ, सबके साथ निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, एक बच्चा एक एग्जामिनेशन में किसी भी स्टूडेंट को पास होना है तो उसको 5 के 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। फिर से सुनो, 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको 10th में 5 सब्जेक्ट है ना, मेन 5 सब्जेक्ट। कोई भी बच्चा पास होता तो उसको मतलब सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। क्लियर हो गया? एक कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, कितने तरीके से वो फेल हो सकता है बताओ। क्या हरिप्रिया ने बोला? महक ने, महक ने बिल्कुल करेक्ट बोला, वेल डन महक। हरिप्रिया तुम्हें यही आंसर क्या अलग है? मैं कर रही थी सर, यही आ रहा था स्टार्टिंग का। वेरी गुड। देखो एक सब्जेक्ट में भी हो तो फेल हो गया, तो 5C1 दो में होगा तो भी फेल हो गया, पांचों में किया तो भी फेल हो गया, सब में फेल होगा। अच्छा चलो, अब आज है इसका आज का लास्ट टॉपिक। अब देखो तुम्हें क्या करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज करने, ध्यान रखना। अच्छा आपके पास है 7 कंसोनेंट्स, ध्यान रखना 4 वॉवल्स, 7 कंसोनेंट एंड 4 वॉवल्स। आपको 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल्स यूज करके एक वर्ड बनाना, आपको वर्ड्स बनाने। फिर से सुनो, 7 कंसोनेंट 4 वॉवल्स, लेकिन आपको जो वर्ड बनाना है वो 3 कंसोनेंट एंड 2 वॉवल्स से बनाना है। तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो इसमें से? सर हाँ बोलो, 7C3 + 4C2 हाँ प्लस नहीं बेटा, आपको 5 इनटू हाँ इनटू ये तो सिलेक्ट किया, लेकिन वर्ड्स का फिर इनके ऑर्डर्स को फाइंड करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले आपने क्या किया, क्या लिखा आपने, 7C3 उसमें से 3 कंसोनेंट लिए, 4C2 उसमें से 2 वॉवल्स लिए, ये हो गया आपने सिलेक्शन कर लिया। लेकिन अब आपको अरेंज करना है, अरेंज यानी 5 लेटर को 5 जगह पर अरेंज करके लेटर्स बनाने, वर्ड्स बनाने, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे उसको अरेंज भी तो करोगे तभी तो वर्ड्स बनेंगे आपके, ये तो आपने सिर्फ सिलेक्ट किया है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों कंबाइन हो गया। फिर से बताऊं कि समझ में आया? आ गया। देखो पहले आप वॉवल्स और कंसोनेंट सिलेक्ट करो, क्योंकि 7 में से कोई 3 सिलेक्ट किए, 4 में से कोई 2 वॉवल सिलेक्ट किया, उसके बाद उनको आपको अरेंज करना है तो परम्यूट करना है, तो 5 लेटर को 5 जगह पर आप अरेंज करो तो वर्ड्स बनेंगे 5 लेटर का। तो इतने वे से आप मतलब वर्ड्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो सर, आंसर 25200 है। आंसर 2520, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आपने 5 के लिया, देखो 5, अब देखो आपने 3 वॉवल्स और 2 कंसोनेंट करके 5 लेटर हुए ना आपके, हाँ। उसको अरेंज नहीं करोगे जैसे आपने, लेकिन पहले हम इसका आंसर निकालेंगे ना, पहले इसको आपने सिलेक्ट किया उसके बाद उसको आप अरेंज नहीं करो, जैसे मैंने बोला महक MAHE की लिखा, अब उसको अरेंज करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, तो उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा हमें, तो डिक्शनरी के हिसाब से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं उसमें से। तो पहले नहीं समझ में आया महक? आ गया आ गया। जैसे एक डॉटर है, डॉटर वर्ड्स स्पेलिंग मालूम है बताओ? हाँ पता है। डॉटर्स वर्ड में से 2 वॉवल और 3 कंसोनेंट का सिलेक्ट करके आपको वर्ड्स बनाना है, तो कितने वर्ड्स बना सकते हो मीनिंग विदाउट मीनिंग वाले? सर बोला डॉटर वर्ड है उसमें से कंसोनेंट 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल्स से आप कितने वर्ड्स मीनिंग और विदाउट मीनिंग वाले बना सकते हो?
अरे एक बॉबल दो है तो 3C2 5C3 × 3C2 × 5P5। अच्छा बॉबल दो है। हाँ, तीन बॉबल में से दो बॉबल सिलेक्ट करने। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो इक्वेशन। स्पेलिंग बताओ इक्वेशन। नहीं याद। हाँ सर पता है, बोलो। चलो इक्वेशन वर्ड में से आपको हाउ मेनी वर्ड्स विथ विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स एट ए टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर। वोवेल और कंसोनेंट साथ साथ में आने चाहिए, पूरा वोवेल एक साथ हो कंसोनेंट एक साथ हो, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो? फंस गए बच्चे, फंस गए। सर फिर से बोलो ना। आपका जो इक्वेशन है ना, इसमें कंसोनेंट को पूरा एक साथ रखना, वोवेल को एक साथ रख के जितने भी आप वर्ड बना सकते हो, ऐसा कितने वर्ड्स आप बना सकते हो मीनिंग विदाउट मीनिंग वाले? 5C5। हाँ फिर प्लस नहीं इनटू 3C3। हाँ अब इसके परम्यूटेशन में हमें वो ब्लॉक वाला फॉर्मूला यूज करना है। बिल्कुल, देखो अब मैं बता दूं, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो। 4P एक मिनट, इक्वेशन 4P4। देखो इक्वेशन लिखा आपने, इसमें ई ए आई ओ, ये चार लेटर का एक वर्ड हो गया। ई ए आई ओ चार लेटर, और बचे हुए क्यू U भी तो लो सर। हाँ U भी है, सॉरी सॉरी, फिर क्यू टी एन या N, इनको देखो पहले तो आपका ये दो ब्लॉक ही है, दो वर्ड को अरेंज के लिए 2P2 इनको अरेंज करना है, लेकिन इनके वर्ड आपस में अरेंज करने के लिए 5P5 और इसको आपस में 5P5। इसमें सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, कोई वर्ड सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको इन्हीं वर्ड को यूज करना है, तो ये परमिट टी कर रहे हो अरेंज, पहले आप ये दो ब्लॉक को आगे पीछे कर रहे हो, फिर इसके वर्ड को सिलेक्ट करो, इसके और कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसके आप डिवाइड भी नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलो हाँ सर आई। आज का लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ एक चैप्टर ओवर, और आप टेक्स्ट बुक से पूरा चैप्टर आप खत्म करेंगे। क्वेश्चन सुनो पहले। ओके सर, मुझे डाउट भी था। हाँ बता रहा हूँ, अभी आज ही कर ले तो फिर डाउट नेक्स्ट टाइम देखता, अगर टाइम हुआ तो बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम रख लेंगे। 5 girls and 3 boys को एक रो में अरेंज करना है, दो बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए। फाइव गर्ल्स थ्री बॉयज को एक रो में अरेंज करना है, जिससे कोई भी दो बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए, गर्ल्स बैठ सकती हैं साथ में, बॉयज नहीं बैठेंगे। कितना टाइम है बेटा बताओ? 3 मिनट। चलो मैं बता देता हूँ। सर एक मिनट। हाँ हाँ मैं रुक गया भाई, रुक गया। बड़ा टाइम ओवर होने वाला, आप मेरे को हेल्प कर देने दो सर। 5P5 into हाँ
सिक्स वेरी गुड सिक्स पी थ्री शायद वेल डन 100% करेक्ट. पता चला मैं कैसे किया? देखो नहीं पहले आप गर्ल्स को पांचों के प्लेस बीच में छह प्लेसेस है ओके. हाँ गर्ल्स के लिए अरेंज किया तो 5P5 हो गया और बची हुई जगह हाँ. एक दो तीन चार पांच छह छह जगह में तीन बॉयज को कहीं पे बैठा दो. तीन बॉयज को बंदरों की तरह कहीं पे बैठा दो बैठ जाएंगे. मैंने तीन लड़कों को ब्लॉक बनाया था ज्यादा वाले नंबर को ब्लॉक में लेना है. नहीं बेटा लड़कों को भगाना है वहां से तो कहां लड़कों के साथ बैठा रही है. लड़कों को खाली जगह बैठाना था बस ये आंसर हो गया. हाँ. चलो बाय बच्चों अब मिलें. कितना देखो टाइम कितना और बताओ एक मिनट. मेरे एक ही एक मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा. अब तुम ये चैप्टर पूरा टेक्स्ट बुक से पहले एक बार खत्म कर दो और फिर मैं इसकी वर्कशीट भेज रहा हूँ तुमको. ओके सर ठीक है चलो बाय बच्चों. नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स. ठीक है सर ठीक है सर बाय. Thank you.